करते हुए आप ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। लंबे गहरे सांस को भरते हुए श्वास पर श्वास एक समग्रता का भाव स्ट्रेच करिए मैक्सिमम। हाथ कान से लगे हुए आत्म की हथेली ऊपर आसमान की तरफ हो, एड़ी ऊपर की तरफ बच्चों बच्चों में होल्ड करना है। मन सभी का शांत हो सहज हो, ये एक तो हाइट के लिए बहुत अच्छा है आपके। धीरे धीरे नीचे आइए डाउन एक्सेल। एक बार पुनः फिर से ब्रीथिंग करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। लंबे गहरी सांस को भरिए, मन सभी का ऐसे शांत हो सहज हो, एक रूपता के साथ एक निश्चय का भाव निरंतरता पूर्वक। अब ये पांच अभ्यास डेली सबको करने हैं। धीरे धीरे नीचे आइए श्वास को छोड़ते हुए, एक अंतिम बार पुनः फिर से आएंगे। ये हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, आर्थराइटिस रेमेटाइटिस आर्थराइटिस जैसी विकृतियों में भी लाभकारी माना जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेच करिए मैक्सिमम। धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, फिर से श्वास को छोड़ेंगे। ठीक, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। दोनों पैरों में गैप मेंटेन करिए। अब करिए ताड़ासन, हाथों की हथेली ऊपर आसमान की तरफ, हाथ कान से लगे स्ट्रेच करते हुए राइट साइड टर्न करिए, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। गुड, फिर लेफ्ट से आइए। अब देखो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है, जिनमें जितनी कैपेसिटी है। धीरे धीरे अगेन फिर से लेफ्ट से जाइए, राइट से भी टर्न करेंगे। ये ऑबेसिटी में भी अच्छा है, स्ट्रेचिंग भी होती है हमारी बॉडी की। लंबे लंबे श्वास के साथ ऐसे एक एक अभ्यास को करने का प्रयास करिए, मन को शांत और सहज रखेंगे। अब इसमें देखो मेथड सही होना चाहिए, विधि का उस पर अतिक्रमण नहीं करना है, ये ध्यान रखना। कैसे, एक तो पैर नहीं मुड़ेगा किसी का भी, ठीक, और राइट और लेफ्ट जब भी आप टर्न करेंगे तो फ्रंट में नहीं जाना है, साइड बेंडिंग करते इस तरीके से एक्सहेल करते हुए राइट से भी देन लेफ्ट से भी। राइट मेथड होना चाहिए, टाइमिंग भी ध्यान में रखना है, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी ये विशेष महत्व रखती है हमारे जीवन में। अब अगला अभ्यास यहीं से त्रिकोण आसन करेंगे। हाथ कान से लगाइए, दूसरा हाथ पार्श्व भागों से ऐसे जेब से लगा हुआ। अब फिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे श्वास को छोड़ते हुए पुनः ब्रीदिंग करते हुए ऊपर आइए। लंबे गहरे सांस को भरें, फिर से नीचे की तरफ श्वास को छोड़ेंगे। अगेन एक बार फिर से डीप ब्रीदिंग करते हुए मन को शांत और सहज करते हुए ऐसे श्वास पर श्वास एक एक अभ्यास करिए। अब ये तीसरा आसन हो गया, पांच आसन आपको प्रत्येक दिन करने हैं, ठीक, सभी को। अब अगली क्रिया यहीं से दोनों पैरों को आप ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले आप वृक्षासन करेंगे, ये किसके लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए, आई के लेवल पे आपकी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। राइट लेग को आप नीचे रखिए, लेफ्ट को ऊपर की तरफ लाएंगे। गुड, ब्रीथिंग करते हुए ऐसे मन शांत रखो बच्चों सहज। अब हाथ कान से लगे हुए सामने की तरफ दृष्टि हो, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब देखो किसी भी बिंदु पर अपना ध्यान लगाओ जो स्थिर है, मन को शांत करिए और सहज, ऐसे एकाग्रता का भाव हो, एक निरंतरता हो जीवन में, एक समग्रता हो, मन को शांत करो और सहज। सब थोड़ी देर तक शांत चित्त होकर एकाग्र चित्त होकर होल्ड कर, बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, होल्ड रखिए थोड़ी देर तक, वेरी गुड। मन को शांत करेंगे और सहज। आप कोई देखो बगल में टच नहीं करो किसी को, धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब ये हो जाता है ध्रुव आसन, ठीक, मान लो वृक्षासन किसी को टफ लगता है तो वो ध्रुव आसन में ऐसे होल्ड करना, माइंड पे थॉट्स पे सोल्स पे इमोशंस पे एक्शन पे पूरा बैलेंस करो। धीरे धीरे हर आती जाती श्वास पर ध्यान लगाइए। अब पूरा धीरे धीरे वापस आएंगे नीचे की तरफ, रिलीज एंड रिलैक्स, चेंज करेंगे। अब जिन्होंने लेफ्ट लेग से किया वो राइट से करेंगे, जिन्होंने राइट से किया वो लेफ्ट से करेंगे इसी अभ्यास को। फिर से ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आइए, हाथ ऐसे कान से लगे हुए, मन सभी का शांत और सहज हो, ऐसे एकाग्रता पूर्वक थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब देखो सामने किसी भी बिंदु पर अपना ध्यान लगाओ बच्चों, जो भी स्थिर है, आपको पीछे कुछ भी ऐसा दिख रहा हो जो स्थिर है, सामने की तरफ आपके वहां पर अपना ध्यान लगाइए और कहीं पर नहीं देखेंगे। मन को शांत करिए और सहज, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करो वृक्षासन में। ये रोज करना करते एक दिन, एक से दो मिनट, फिर धीरे धीरे पांच पांच मिनट का अभ्यास आप करो, इसे होल्ड करो, धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब ये ध्रुव आसन हो गया, मन को शांत करिए और सहज, ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, समग्रता का भाव निरंतरता होगा। पुनः वापस आइए, गुड, रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए अब धीरे धीरे अब अगली स्थिति।